जेम मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है आज हम वेक्टर का सेवन्थ वीडियो करने वाले हैं अगर आपने पहले की वीडियो मिस कर दी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के तो आप वीडियो देख सकते हैं ओके सो लेट्स स्टार्ट आज हम लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इनडिपेंडेंट वैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं सो so उसे पढ़ने से पहले आप लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है उसे आप जान लीजिए वैक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं ओके okay? सपोज हमारे पास कुछ वैक्टर्स हैं वैक्टर ए वन वैक्टर ए टू अप टू वैक्टर ए एन ओके और कोई हमारे पास अनदर वैक्टर है सपोज वैक्टर आर ओके अगर वैक्टर आर को हम सम ऑफ वैक्टर्स ए वन ए टू अप टू ए एन के फॉर्म में लिख सकते हैं देन हमारा क्या होगा आर इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्टर ए वन ए टू एंड अप टू ए एन ओके दैट मीन्स अगर वैक्टर आर को हम कुछ इस तरह लिख दें एम वन इन वैक्टर ए वन प्लस एम टू वैक्टर ए टू एंड अप टू एम एन वैक्टर ए एन ओके सो आर हमारा क्या कहलाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्टर्स ए वन ए टू एफ टू ए एन ओके यहां पर जो एम वन एम टू और जो एम एन है ये क्या है कोई स्केलर्स है ओके okay? स्केलर्स यानी कोई नंबर हो सकते हैं कोई भी रियल नंबर ओके सो एक एग्जांपल की हेल्प से, से हम समझते हैं सपोज हमारे पास कोई वेक्टर है ए वन है हमारा आई है ए टू है हमारा जे और ए थ्री है हमारा के ओके okay? और कोई हमारे पास दूसरा वेक्टर है सपोज वेक्टर आर में लिख रहा हूँ और आर है हमारा टू आई माइनस फाइव जे प्लस सेवन के ओके देन तो आप देख सकते हैं वेक्टर आर को हमने वेक्टर आई और वेक्टर जे वेक्टर के के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा है जहाँ पर टू माइनस फाइव और सेवन क्या है हमारे स्केलर्स हैं ओके और यहाँ पर डेफिनेशन में स्केलर्स क्या थे एम वन एम टू एम थ्री अप टू एम एन ओके बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर स्केलर्स क्या है टू माइनस फाइव एन सेवन ओके आई होप सो आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब समझ में आ गया होगा ओके चलिए अब लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर समझते हैं सपोज़ हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं वेक्टर ए वन वैक्टर ए टू और वेक्टर ए एन ओके और अगर इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा ज़ीरो है ओके okay? सो so, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं ये आपका एम वन स्केलर हो गया इन टू वैक्टर ए वन प्लस स्केलर एम टू इन वैक्टर ए टू एंड सो ऑन एम एन वैक्टर ए एन और लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या कहा इक्वल्स टू ज़ीरो है ओके okay? और ये ज़ीरो भी कोई वैक्टर होगा ज़ीरो वैक्टर ओके देन वैक्टर ए वन वैक्टर ए टू एंड वैक्टर ए एन तब हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट होगा जो हमारे सारे स्केलर एम वन एम टू एंड ऑन सारे स्केलर क्या हों जीरो हो जाएं ओके okay? अगर सारे स्केलर जीरो हो जाएंगे देन हमारा वैक्टर ए वन वैक्टर ए टू वैक्टर ए थ्री एंड सो ऑन अप वैक्टर ए एन हमारा क्या होगा लीनियर इंडिपेंडेंट वैक्टर होगा ओके okay. चलिए अब लीनियर डिपेंडेंट वैक्टर की डेफिनेशन देखते हैं हमारे वैक्टर्स हैं वैक्टर ए वन वैक्टर ए टू वैक्टर ए एन ओके और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन एम वन वैक्टर ए वन प्लस एम टू वैक्टर ए टू एंड सो ऑन एम एन वैक्टर ए एन दिस इक्वल्स टू जीरो ओके देन वैक्टर ए वन वैक्टर ए टू अप टू वैक्टर ए एन लीनियर डिपेंडेंट तब होगा जब हमारे जो स्केलर्स हैं एम वन एम टू एंड अप टू एम एन हमारा सारे स्केलर्स ज़ीरो ना हो दैट मीन्स कोई ना कोई एक ऐसा स्केलर एम हो जो हमारा कैसा हो नॉन जीरो देन हमारे वैक्टर कैसे होंगे लीनियर डिपेंडेंट वैक्टर होएंगे ओके चलिए अब कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं जिसके बेस पे हम क्वेश्चन आज लगाएंगे ओके सो फर्स्ट है हमारा अ पेयर ऑफ नॉन कोलिनियर वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट दैट मीन्स अगर हमारे पास दो नॉन कोलिनियर वेक्टर होंगे तो कैसे होंगे इंडिपेंडेंट होंगे ओके okay? और इस फैक्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अ पेयर ऑफ कोलिनियर वैक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट दैट मीन्स हमारे दो वैक्टर अगर कोलिनियर होंगे तो कैसे होंगे हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट ओके चलिए सेकेंड फैक्ट देखते हैं थ्री नॉन कोप्लेनियर वैक्टर इज ऑलवेज लीनियरली इनडिपेंडेंट दैट मीन्स अगर हमारे पास तीन नॉन कोप्लेनर वैक्टर नॉन कोप्लेनर वैक्टर्स यानी कि जो हमारे वैक्टर्स हैं वो एक ही प्लेन में नहीं है ओके दो वैक्टर्स हमेशा एक प्लेन में होंगे लेकिन थर्ड वैक्टर प्लेन में भी हो सकता है और उसके बाहर भी हो सकता है ओके दैट मीन्स यहां कहा गया अगर हमारे पास तीन नॉन कोप्लेनर वैक्टर हैं तो हमेशा कैसे होंगे लीनियरली इनडिपेंडेंट ओके और इसी को हम ऐसे कह सकते हैं three coplanar vector is always linearly dependent next concept if vector a and vector b are non collinear vectors then every vector r coplanar with vector a and vector b can be expressed as linear combination of vector a and vector b

प्लस सम स्केलर एम टू इंटू वैक्टर बी ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं इफ वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स देन एनी वेक्टर आर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्टर ए वैक्टर बी एंड वैक्टर सी दैट मीन्स अगर हमारे पास तीन नॉन को प्लेन वैक्टर हैं वैक्टर ए वैक्टर बी एंड वैक्टर सी दैट मीन्स हमारा वैक्टर ए और वैक्टर बी और वैक्टर सी एक ही प्लेन में नहीं है ओके okay? और कोई हमारा फोर्थ वैक्टर वैक्टर आर तो वैक्टर आर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्टर ए वैक्टर बी एंड वैक्टर सी के फॉर्म में लिख सकते हैं ओके सो वैक्टर आर कैन बी एज सम स्केलर एम वन इन टू वैक्टर ए प्लस सम स्केलर एम टू इंटू वैक्टर बी प्लस सम स्केलर एम थ्री इंटू वैक्टर सी ओके चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इफ वैक्टर्स ए वैक्टर बी एंड वैक्टर सी आर को प्लेनर देन डिटर्मिनेंट ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री क्या होगा हमारा जीरो होगा ओके okay? अगर वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी हमारे कैसे कोप्लेनर है देन ये जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा हमेशा ज़ीरो के इक्वल होगा ओके नेक्स्ट मोर देन थ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट ओके चलिए अब इन कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन लगाते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए ओके सो क्वेश्चन नंबर वन सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास फोर नॉन जीरो वैक्टर्स हैं और वो हमें बताना ना वो कैसे होंगे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इनडिपेंडेंट होंगे आ ए और बी दैट मीन्स इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं या फिर नॉन ऑफ डीज ओके और अभी आपने फैक्ट सिक्स में देखा कि तीन से ज़्यादा वैक्टर कभी भी होंगे वो हमेशा कैसे होंगे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे ओके okay? और यहाँ पे वे फोर वैक्टर्स दिए हुए हैं ओके okay, क्या हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट दैट मीन ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर टू इस क्वेश्चन में तीन वेक्टर्स हैं वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी और तीनों वेक्टर्स ऐसे प्लेस किए हैं कि फर्स्ट वैक्टर जो एंड पॉइंट होगा वो सेकंड वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है ओके okay? तो आप खुद से सोचिए सो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग वैक्टर्स इस तरह प्लेस किए गए हैं ये तभी पॉसिबल होगा जब तीनों वैक्टर्स कैसे हों को प्लेनर हों ओके दैट मीन जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नॉट को प्लेनर का वो हमारा गलत हो गया अब हमें चेक करना है क्या वैक्टर्स ट्राइंगल फॉर्म करेंगे या नहीं ओके okay. सो so इसके लिए हम क्या करेंगे आप तीनों वैक्टर्स के मॉड्यूल्स निकालिए ओके सो मॉडुलर्स निकालते हैं वैक्टर ए का मॉडल्स होगा स्क्वायर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू रूट फोर्टीन वैक्टर बी का मॉडलस है स्क्वायर रूट ऑफ टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू रूट सिक्स एंड वैक्टर सी का मॉडलस है स्क्वायर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर वन स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू रूट ट्वेंटी सिक्स ओके सो आप देख सकते हैं ट्राइंगल फॉर्म होने की कंडीशन क्या होती है किसी भी दो साइड का सम हमेशा ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड की लेंथ से ओके okay. सो so, आप देख रहे हैं यहाँ पर रूट फोरटीन प्लस रूट सिक्स ओके ये हमारा लेस होगा रूट ट्वेंटी सिक्स से ओके दैट मीन्स हमारा ट्राइंगल नहीं फॉर्म होगा ओके okay. सो so, आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी को प्लेनर बट कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल ओके सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है ओके okay? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन में दो वेक्टर्स हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और कहा गया वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट है और गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करें कंडीशन क्या है रूट थ्री टैन थीटा प्लस वन इंटू वैक्टर ए प्लस रूट थ्री सेक्ट थीटा माइनस टू इंटू वैक्टर बी, बी इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, ओके देन हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ओके सो क्वेश्चन में गिवेन है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैसे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, ओके अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के इक्वल है देन ये कंडीशन तभी फुलफिल होगी जब हमारे स्केलर्स कैसे हों जीरो ओके और यहाँ पे स्केलर्स क्या है थीटा एंड थीटा प्लस वन और दूसरा स्केलर क्या है रूट सेक थीटा माइनस टू ओके और स्केलर्स हमारे ज़ीरो होने चाहिए ओके okay. सो so यहाँ से आपको टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी टेन थीटा को मिल जाएगा माइनस वन ओवर रूट थ्री और कॉस थीटा हमें मिल जाएगा रूट थ्री ओवर टू ओके और हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमारा टेन निगेटिव है और कॉस पॉजिटिव है तो यह हमारा फोर्थ क्वार्डन में ठीटा लाई करेगा ओके सो फोर्थ क्वारन में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा टू पाई में से आपको एंगल सब करना पड़ेगा और किस एंगल पे आपको टेन में वन बाय रूट थ्री और कॉस्ट में रूट थ्री बाई टू मिलता है आपको पता है वो क्या है पाई बाई सिक्स ओके सो so ये आपका हो गया पाई बाई सिक्स इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेट करने में मिलेगा आपको एलेवन पाई ओवर सिक्स ओके सो जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी जनरल वैल्यू ऑफ थीटा हो जाएगी टू एन पाई प्लस एलेवन पाई ओवर सिक्स ओके तो आप देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो so, इस क्वेश्चन में फोर डायमेंशनल स्पेस गिवन है ओके दैट मीन्स हमारे फोर वेक्टर्स हमारे कैसे लीनियर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं ओके okay? क्योंकि यहां पे स्पेस कैसा है फोर डायमेंशनल है ओके सो so, यहाँ पर हमारे पास फोर वैक्टर्स गिवन है वैक्टर ए वन वैक्टर ए टू वैक्टर ए थ्री एंड वैक्टर ए फोर और गिवन है इन चारों वैक्टर्स में से किसी वैक्टर को हम बाकी वैक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते हैं दैट मीन्स ये चारों वैक्टर्स कैसे हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं ओके और गिवन है यहाँ पे इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वैक्टर के इक्वल है और आपको पता है लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर के अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वैक्टर के इक्वल है तो जो वेक्टर्स के रिस्पेक्टिव स्केलर्स होंगे वो क्या होंगे जीरो होंगे ओके okay? सो so, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लैमडा म्यू गामा और डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ओके okay? सो so, लिखते हैं सो so, है हमें एमडा माइनस वन इंटू वैक्टर ए वन माइनस ए टू प्लस म्यू टाइम्स ए टू प्लस वैक्टर ए थ्री प्लस गामा टाइम्स वेक्टर ए थ्री प्लस वेक्टर ए फोर माइनस टू वेक्टर ए टू प्लस वेक्टर ए थ्री प्लस डेल्टा टाइम्स वेक्टर ए फोर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर ओके अब इसे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर के फॉर्म में लिख लेते हैं ओके okay. सो so आपका हो जाएगा लैम्डा माइनस वन वेक्टर ए वन प्लस वन माइनस लैमडा प्लस म्यू माइनस टू गामा इंटू वैक्टर ए टू प्लस म्यू प्लस गामा प्लस वन वैक्टर ए थ्री प्लस गामा प्लस डेल्टा इंटू वैक्टर ए फोर इक्वल्स टू जीरो ओके अब स्केलर्स को जीरो के इक्वेट कर दीजिए क्योंकि वेक्टर ए वन वैक्टर ए टू वैक्टर ए थ्री वैक्टर ए फोर कैसे इंडिपेंडेंट? ओके सो लैमडा माइनस वन इक्वल टू जीरो म्यू प्लस गामा प्लस वन इक्वल टू जीरो गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू जीरो सो यहां से आपको लैमडा को वैल्यू मिल गई लैमडा इक्वल्स टू वन ओके सो so, लैमडा की वैल्यू आप इस इक्वेशन पुट कर दीजिए ओके सो जब लैमडा की वैल्यू पुट करने का आपको मिल जाएगा म्यू माइनस टू गामा इक्वल्स टू जीरो ओके और इस इक्वेशन में म्यू प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस वन है ओके okay. आप जब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी माइनस टू ओवर थ्री एंड गामा की वैल्यू मिल जाएगी माइनस वन ओवर थ्री ओके सॉल्व करना आता ही होगा है ना काफ़ी ईजी है अब गामा की वैल्यू मिल गई है गामा की वैल्यू आप इस इक्वेशन पुट कर दीजिए आपको डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी और डेल्टा की वैल्यू मिलेगी वन ओवर थ्री ओके अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सो गामा की वैल्यू वन है सो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया मी की वैल्यू है माइनस टू ओवर थ्री सो आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया गामा की वैल्यू है माइनस वन ओवर थ्री सो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट है एंड डेल्टा की वैल्यू है वन ओर थ्री सो आपका ऑप्शन डी भी करेक्ट है ओके okay. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव इस क्वेश्चन में तीन वैक्टर्स हैं और गिवन है तीनों वैक्टर्स कैसे हैं हमारे को प्लेनर हैं देन हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ओके okay. और आपको को प्लेनरिटी की कंडीशन पता है ओके को प्लेनरिटी के लिए क्या होगा डिटर्मिनंट तो जो होगा वो हमारा क्या होगा जीरो होगा और किस चीज़ का डिटर्मिनेंट एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन एंड एक्स प्लस एट ओके सो देखते हैं किस एक्स की किस वैल्यू के लिए ये हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा ओके okay. देन हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ओके सो सिंप्लीफाई करते हैं आप आर टू चेंज टू आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री चेंज टू आर थ्री माइनस आर टू ओके सो हमें मिलेगा एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू थ्री 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 एंड ये भी आपका थर्ड रो भी हो जाएगा थ्री 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 एंड दिस इक्वल्स टू ज़ीरो ओके और आप देख सकते हैं हमारा सेकेंड रो एंड थर्ड रो क्या है सेम है दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट हमेशा ज़ीरो होगा इर ऑफ एक्स यानी एक्स की कोई भी वैल्यू हो ये डिटर्मिनेंट हमेशा ज़ीरो होने वाला है दैट मीन्स x की कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए है ना x की हर वैल्यू के लिए वो तीनों वैक्टर्स कैसे होंगे हमेशा को प्लेन होंगे ओके सो so, x की सारी वैल्यू सही होंगी क्योंकि आप x की कोई वैल्यू ले सकते हैं ओके सो so, आपका ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी चारों करेक्ट होंगे ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स सो इस क्वेश्चन में वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी कैसे हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं ओके और वेक्टर सी का मॉडल्स दिया है, रूट थ्री देन हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और अल्फ़ा बीटा कहाँ है वेक्टर सी के अंदर देख सकते हैं वेक्टर सी हमारा क्या है आई प्लस अल्फा जे प्लस बीटा के ओके दैट मीन्स हमें यही अल्फ़ा और बीटा वैल्यू फाइंड आउट करनी है कंडीशन की वन है मॉडल्स ऑफ वैक्टर सी इज़ थ्री ओके okay, सो so, मॉडल्स क्या हो जाएगा वैक्टर सी का स्क्वायर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी टाक्वायर एन स्क्वायर रूट ऑफ थ्री दो स्क्वायर कर लीजिए सो आपको मिल गया वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री ओके सपोज ये आपकी क्वेश्चन नंबर वन है ओके और क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी कैसे हैं लीनियरली डिपेंडेंट हैं दैट मींस अगर तीन वेक्टर हमारे लीनियरली डिपेंडेंट हो गए तो तीनों वेक्टर कैसे होंगे को प्लेनर वैक्टर होंगे ओके okay? को प्लेन वैक्टर है दैट मीन्स डिटर्मिनेंट हमारा क्या होगा जीरो होगा ओके सो डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वेट करते हैं सो डिटर्मिनेंट हमारा होगा वन 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 फोर थ्री फोर वन अल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो ओके सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो आर टू चिंस टू आर टू माइनस फोर आर वन ओके सो रो टू को सॉल्व करने में हमें क्या मिलेगा वन 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 और रो टू हमारी हो जाएगी ज़ीरो माइनस वन ज़ीरो वन अल्फा बीटा एंड दिस इक्वल्स टू ज़ीरो ओके अब आप रो टू से इसका एक्सपेंशन कर लीजिए सो एक्सपेंशन करने हमें मिलेगा माइनस वन बीटा माइनस वन इक्वल्स टू जीरो यहाँ से आपको बीटा की वैल्यू मिल गई वन ओके अब बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में आप पुट कर दीजिए ओके okay? तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी सो so है हमारे पास वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री बीटा की वैल्यू वन सो वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इक्वल्स टू वन स्क्वायर इज वन एंड दिस इक्वल्स थ्री सो यहाँ से आपको अल्फा स्क्वायर क्या मिल गया वन और अल्फा वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस वन ओके सो अल्फ़ा की वैल्यू प्लस माइनस वन एंड बीटा की वैल्यू वन अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सो so, आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है ओके okay. सो so, आज का वीडियो यहीं तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग